हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। सो इस वीडियो में आप सभी को क्या बताने वाला हूँ, आप लोग सभी को पता होगा कि मैं इस वीडियो में आप सभी को 4K क्वालिटी ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। बट एक बात सुनो, आपने वीडियो स्किप करके मत जाना। आप में से बहुत सारे बंदों ने यूट्यूब पर सर्च भी किया होगा, आप ही सारे लोगों ने इस पर वीडियो बना चुके हैं कि 4K क्वालिटी ट्यूटोरियल ऐसा तो वैसा, तो आप में से बहुत लोगों ने ट्राई भी किया होगा शायद ना बनाओ, तो मैं भी लेके आ चुका हूँ ट्यूटोरियल। आप लोग एक बार ट्राई जरूर से करना चाहिए, ठीक है। आप मेरे वीडियो क्वालिटी देखते ही होगे कितना ओपी रहता है। सो मैं आप सभी को वही बताने वाला कि आप लोग कैसे बना सकते हो। तो बिना किसी बात की उधर के हम सीधे मतलब अपने मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं। बट हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने देखा, चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ी बात ही छोड़ो, चलो वीडियो सीधे टॉपिक पे बढ़ते हैं। सुनो यार, सबसे ज़्यादा मैटर करता है अपनी वीडियो क्वालिटी के लिए वो है रिकॉर्डिंग। मतलब रिकॉर्डिंग एक अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग करना, वो कैसे करेंगे मैं वो आपको सबसे जरूरी होता है भाई। रिकॉर्डिंग करना कैसे है वो आपको बताने वाला हूँ। रिकॉर्डिंग आपकी अच्छी क्वालिटी से हो गई तो मतलब आपका 4K क्वालिटी आराम से बन जाएगा, ठीक है, एकदम अच्छी क्वालिटी में हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कैसे क्या करना है, ठीक है। बहुत सारे बंदे ऐसे बताते होंगे, मैं भी वैसे कुछ बताने वाला, बट आप लोग उसको देखो, ठीक है। सबसे पहले सेटिंग में आ जाना है, एंड ये जो डिस्प्ले वाला ऑप्शन, डिस्प्ले पे आने के बाद आप लोग को इसको ऑन पे कर देना है और इसको हाई पे करके मतलब पूरा हाई पे कर देना, जब आपको वीडियो रिकॉर्ड करते समय बस पूरा हाई पे करना है, ठीक है। मैं हाई पे कर और इसको मैक्स पे कर देता हूँ, ठीक है। सबसे तो ये मैटर करता है, ठीक है, तो इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। और बहुत सारे बंदे ऐसे करना बताते होंगे, मैं भी ऐसे ही बता रहा हूँ, बट मैं थोड़ा कुछ अलग बता रहा हूँ इसी में, बस इतना हो गया। अब अलग बस छोटा सा इसमें है, तो वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। इतना कर लेने के बाद अब आपको वीडियो रिकॉर्ड कैसे करना है। आपको यहाँ पे तुरंत आपको वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने जाना है, मतलब इमोट वाले सेक्शन में जाकर आपको तुरंत वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने लगना है, ठीक है। वो करना क्या वो बताता हूँ, ठीक है। आपको अपने गेम को रिस्टार्ट कर देना है, ठीक है, एक बार गेम को रिस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। और गेम को रिस्टार्ट करने के वास्ते आपको एक AVT स्क्रीन रिकॉर्डर मिलेगा, आपको उसको इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर पर आपको इजिली मिल जाएगा AVT स्क्रीन रिकॉर्डर, ठीक है। तो आप लोग को मिल जाएगा, आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग उसको इंस्टॉल कर लेना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एंड इंस्टॉल करने के बाद आपको AVT स्क्रीन रिकॉर्डर को ओपन करना है और फिर इसके सेटिंग में आ जाना है। फिर इसमें आने के बाद से जो भी अलाउ मांगे उसको आपको अलाउ कर देना, ठीक है। एंड वीडियो का जो रेजोल्यूशन है इसको रख लेना 1080p पे, ठीक है। एंड जो बिट रेट है उसको 15 MBPS पे कर लेना। एंड जो वीडियो का फ्रेम रेट है उसको 60 FPS पे करके इसको जस्ट छोड़ देना, ठीक है। इतना ही, और जो हमने मैक्स पे करने के बाद उसको अल्ट्रा हाई पे करने के बाद गेम को रिस्टार्ट करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा मैटर वो करता है, ठीक है। फिर आपको गेम में आना है, आपको मैं वो ओपन कर लेता हूँ। ये रहा मैं इसको मतलब मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया, दो स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक साथ ऑन नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट इजीली बता रहा हूँ, इसके लिए मेरा पहले से एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है मेरे फोन का, ठीक है। तो यार अब करना है कि आपको गेम में आ जाना, अपने AVT स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर दो। मैंने इसको पॉपअप पे ला तो लिया, अब देखते हैं ये ओपन होता है कि नहीं होता। मैंने आई डोंट नो, मैं इसके पहले कभी ऐसा नहीं किया, मतलब दो स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक साथ ऑन नहीं किया। अब देखते हैं मतलब ऑन होता है कि नहीं। ऑन हुआ तो सही है, वरना आप लोग AVT स्क्रीन रिकॉर्डिंग को लेना, ठीक है। एंड फिर आपको करना है क्या, देखो अभी मेरा पूरा ये हाई पे पूरा रेजोल्यूशन जो है मतलब पूरा हाई FPS मैंने कर रखा, और आप लोग इसको हाई FPS पे कर रखना, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, इसमें अपने वीडियो आपका जो जैसे आप रिकॉर्ड करना चाहते हो उसको आ जाना है। और AVT स्क्रीन रिकॉर्डिंग, गाइस मैंने दोनों एक साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया तो एक फेल्ड हो गया, तो मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है। तो आपको अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को जो भी आपका AVT स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको ऑन करना है। आप जैसे भी अपना इमोट रिकॉर्ड करना चाहते हो, मतलब आप अपने हिसाब से जैसे आप लॉबी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो या फिर इमोट वाले सेक्शन में जाकर यहाँ से कुछ करना चाहते हो, तो आपको अपने इमोट को दिखा के मतलब कुछ ऐसे करके आपको रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। और मैं इस वीडियो को नहीं बनाऊंगा बिकॉज ये मेरे फोन के रिकॉर्डिंग फोन हो रहा है, तो शायद इसकी क्वालिटी सही नहीं है, ठीक है। और तो इसे कर लेना है, ठीक है, ये रहा। एंड मैंने इमोट को रिकॉर्ड कर लिया। अब सबसे अपना मेन काम आता है, चलिए उसके तरफ बढ़ते, तो मैं इसको वीडियो को ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस अब अपना जो मुद्दा है, अपने क्लिप को ऐड कैसे करना है, तो हम अपने क्लिप को ऐड करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, एक कोई क्लिप ऐड करके मैंने मेरे पास जो पहले से ऑलरेडी क्लिप है मैं उस क्लिप को एक ऐड करता हूँ, बस इसमें थोड़ा सेटिंग करना है कैपकट में, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है मतलब वो ऐड करना, ठीक है। तो मैं कोई एक वीडियो ले लेता हूँ, मान सो एक वीडियो सब इसी वीडियो को हम ले लेते हैं, ठीक है। हम इसको ऐड कर लेते हैं और मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। एंड ऐड करने के बाद आपको इसमें सेटिंग करना पड़ेगा, जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। आपको क्लिप पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड क्लिप पे क्लिक करने के बाद से आपको एडजस्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। देन आपको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। फिर आपको म्यूट APK में चलना है। म्यूट APK आप करना ही आता है, बस मैं थोड़ा सा आप लोग बता भी दूंगा जो बंदे इसके पहले नहीं किए, ठीक है, उसमें आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। ब्राइटनेस में आने के बाद ब्राइटनेस का आपको 5 पे इंक्रीज़ कर लेना है, ठीक है। और कॉन्ट्रास्ट जो है, कॉन्ट्रास्ट को मैं रख लेता हूँ 5 या 4 के करीब में, ठीक है। एंड सैचुरेशन का आप लोग को मतलब अराउंड 15 के करीब में रख लेना, 15 या 10 के करीब, मतलब 15 या 10 के करीब में रख लेना। और जो अपना शार्पन है, शार्पन को आप लोग को रख लेना 30 के करीब में, ठीक है। देखो अभी देखो इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी दिखने लगी ना। अब इसी को मैं जो म्यूटू में ले जाकर उसको थोड़ा इनहेंस करूँ, तो भाई एक नंबर की क्वालिटी आएगी, आप समझ रहे हो, मतलब समझ ही गए होगे
तो मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको एक्सपोर्ट करने के बाद चलते बढ़ते अपने म्यूटू एपीके की तरफ, ठीक है गाइस। तो देखो यार, वो सिंपल सा फंडा है, आप में से बहुत सारे बंदों को म्यूटू पता नहीं इसका क्या नेम है, मैंने एक्चुअली में इसका आज तक नेम टेक से पढ़ा ही नहीं हूँ एक्चुअली, बस मेरे को यूज़ करना है, मैं इसको सिर्फ यूज़ ही करता हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, वीडियो एडिटिंग आप में से बहुत सारे बंदों का यूज़ करना ऑलरेडी आता होगा। अब जिसको नहीं आ रहा भले, मैं जानता हूँ वीडियो शायद लंबा हो चुका है, वीडियो मेरे को एक्चुअली कन्फर्म नहीं पता कि वीडियो कितना लंबा हुआ है, ठीक है। तो बस मेरे को इतना पता है वीडियो लंबा हो चुका है, ठीक है। तो आपको अपने वीडियो को एड करना, आप में से बहुत सारे बंदों को इतना तो आता ही होगा, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद ही काम नहीं करता, ठीक है। तो मैं इसको एड कर लेता हूँ, एंड इधर एड करने के बाद अपने वीडियो को थोड़ा इसको पूरा मतलब कंप्लीट हो जाने देना, तो फिर उसे चल रहा है, इसको कंप्लीट हो जाने देना। एंड इसके बाद से आपको करना क्या है, ये जो है एडिटिंग वाला ऑप्शन, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इसकी क्वालिटी देखो, हम इसको और भी धांसू क्वालिटी बनाने वाले। अब आपको इस पे क्या करना है, इमेज क्वालिटी रिपेयर पे क्लिक करके जस्ट आपको इसको डन कर देना है। आपको बस ऐसे ही मतलब एक से दो बार बस रिपेयर करना है, देना आपकी वीडियो क्वालिटी एक नंबर की हो जाएगी। आप में से वीडियो लंबा ना हो, बस मैं यहीं तक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और ये बहुत टाइम रहेगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इतना तो आप लोगों को बहुत पहले से आता है और इतना आप लोग कर भी लोगे मेरे को पता है, ठीक है। आप लोग मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो मेरे को पता होगा। मैं इस बार म्यूटू में इसलिए बताया हूँ क्योंकि बहुत सारे बंदों में ना विंक एपीके सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैं विंक में नहीं बता रहा। एक्चुअली मैं म्यूटू से ही कर रहा हूँ अभी भी, और आप लोग म्यूटू से ही करो, ठीक है। विंक को छोड़ो, बाहर में जाए वो, आप इसी से ही करो, ठीक है। एंड इतना करने के बाद से सो कर रहे हैं आप लोग, वीडियो एक नंबर हो जाएगी गाइस, ठीक है। ना हो तो फिर कमेंट मत करना यार, क्योंकि आप लोग करते नहीं हो, फिर कमेंट करते हो भाई ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, मत ही करना कमेंट, ठीक है। अगर तो अच्छा हो जाए फिर कमेंट करना, ठीक है गाइस। मैं तो देखो पूरा अब जो भी राज होता है मैंने सब बता दिया कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। जितना भी राज था वीडियो का पूरी क्वालिटी में सब बता दिया आप लोगों को। सो चलिए मिलते हैं आपसे इसके और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर गाइस, लव यू एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। आप लोग 50 के 35K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर रहे हैं, अब जल्दी से मेरा 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो, बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है गाइस।